किसान भाइयों राम राम। मैं हूँ राम के किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं सोयाबीन के मुख्य कीट एवं उनका सही रासायनिक नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको उपयोगी जानकारी समय पर मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोयाबीन के मुख्य कीट एवं रासायनिक नियंत्रण। पत्ती काटने वाला कमला कीट, यह बालदार या गहरे पीले रंग का होता है। इसके शरीर पर पीले या भूरे रोए होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों को झुंड में निचली सतह पर खा जाते हैं और बड़ी अवस्था में 30-50% तक पत्तियों को खा जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए लैम्डा साइलोथिन 5 EC 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर अथवा इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर को 700-800 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। हरी अर्थ कुंडल इल्ली, यह भी सोयाबीन का एक प्रमुख कीट है। यह पत्तियों को निचली सतह से खाता है। यह कोट एकल अवस्था में अर्धकुंडल का बनाकर चलती है और पत्तियों को किनारे से खाती है। इसकी रोकथाम के लिए इंडोसा कार 15.8 EC प्रति 333 मिलीलीटर हेक्टेयर अथवा क्लोर एंटानीपोल 18.5% SC प्रति 150 मिलीलीटर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तंबाकू की इल्ली, यह सोयाबीन की पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला हानिकारक कीट है। इसमें मादा समूह में अंडे देती है और इन्हीं अंडों से सुड़ियां निकलकर पत्तियों को समूह में खाते हुए हानि पहुंचाती है। इसके रोकथाम के लिए इंडोसा कार 158 EC 33 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या क्लोर एंटानीपोल 18.5 SC प्रति 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर अथवा इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर को 700-800 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। तना छेदक कीट, यह कीट धात्विक काले रंग की होती है जो कि 70-80% पौधे को ग्रसित करती है। यह मुख्य तना और टहलों पर सुरंग बनाती है। पौधे अवस्था में इनके लगने के कारण पौधे सूखकर मर जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए क्लोरो एंट्रानिपोल 18.5% SC प्रति 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर अथवा इंडोसका कारब 15.8 EC प्रति 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सफ़ेद मक्खी, यह छोटे आकार की मक्खी है जो पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है तथा पीला विषाणु रोग फैलाती है। ये पौधे के रस से भरण करती है जिससे फली अच्छी नहीं होती। इसकी रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3 ग्राम प्रति 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चक्र भृग, इसे उल्ला भृग या मेघना भृग भी कहते हैं। यह कीट पौधे के तनों व डंठलों में 2 बारीक रिंग बनाता है जिससे बल का भाग सूख जाता है। मध्यम आकार की मादा तने तथा टहनियों में 2 छल्ले बनाकर उसमें अंडे देती है। इसकी रोकथाम के लिए फसल में क्लोरो एंट्रानिफॉल 18.5 SC की दर से 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर अथवा प्रोफेनोफॉस 50 EC प्रति 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।